रमजान पर्व काळातील अखेरच्या खंडात येणारी शब-ए-कद्रची रात्र ही विशेष मानली जाते. एक हजार रात्रीपेक्षा या रात्रीला विशेष महत्त्व असतं त्यामुळे या संदर्भातील अधिक सविस्तर माहिती मुस्लिम धर्म अभ्यासकांकडून जाणून घेऊयात. नहमदुहू व नस्ल्ली अला रसूलिल्करिम अम्मा बाद फौजु बिल्लाह मिन रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हाजरीन इकरम खुशनसीब और लाए के मुबारकबाद हैं वह लोग जिनको अल्लाह ने तोफ़ी के रफ़ी कता फरमाया कि वो मुबारक के रोज़े रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रात यानी सत्ताईसवीं शब की रात तक अपने रोजा को मुकम्मल करके चांद रात तक अपने रोजा को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे शब जिनके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अनज़लना फी लैलतुल कदर बेशक हमने लैलतुल कदर में नाजिल किया माँ ललतुलताइसवी शब क्या है मालूम हुआ कि वो सताइसवी शब यानी सत्ताईसवी रात रमजान की ऐसी है जो हजार रातों से अफजल है हजार रातों से बेहतर है इस रात में अल्लाह तबारक को ताला अपने रहमत के फरिश्तों को हुक्म देता है अ फरिश्तों आसमान छोड़ दो अपने अपने मुकामाते मुकद्दस को छोड़कर दुनिया में उतर जाओ और आज हमारे बंदों के घरों में चला जाओ और उनके ऊपर सुबह फज्र तक रहमत नूर मकफरत बरकत रिस्क इज्जत लेकर के उनके घरों में पहुंचो है हमारा कोई बंदा जो रोजी के लिए परेशान है तो उनके घरों में रोजी अता कर दो अगर कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर कर दो किसी के घर में बीमारी है अगर वो बीमार से शिफा चाहे तो उनको शफाए कुल्ली अता कर दो अल्लाह के फजलो करम से इस रात में रहमत की बारिश होती है इस रात में बरकत होती है इस रात में हर किस्म की बलाएँ दूर होती है इस रात में मोमन जो अल्लाह के बंदे दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए मकफरत की दुआएं करो अल्लाह तबारक वाली उनकी मकफरत फरमा कर जहन्नुम से निजात अता फरमाता है हाजरीन आज की रात हज़ार रातों से बेहतर है आज की एक रकात नमाज हज़ार नमा रकात नमाज के बराबर है